पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन मुरादाबाद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने की। आयोजित कार्यक्रम में मंडल भर के भट्टा स्वामी शामिल हुए और सभी ने एकजुट होकर अपनी परेशानियां नगर विधायक के सामने रखी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजनेस में आ रही परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने के लिए नगर विधायक से अपील की। मंच पर बोलते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि 6 साल में पहली बार आप सभी से मिलने का मौका मिला है, आपने याद किया और मैं आपके सामने हूँ। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने सभी भट्टा स्वामियों से कहा कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं उन सभी को फॉलो करें और यदि इसके बाद भी समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप सभी अपनी समस्याएं लिखित में मुझे दें, विभागीय प्रमुख सचिव से मुलाकात करके आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगा। आप लोगों के बीच में आज आया हूँ। आप लोगों की समस्याओं के बारे में मैंने सुना। सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरे को अभी अरुण सिंगल साहब ने बताया कि 2021 में भट्टों को ई ड्राफ्ट भट्टा बनाने के लिए कहा गया था, 3 साल का समय दिया गया था जिसमें मात्र 1 साल का समय बचा है, जिसमें काफी लोगों ने अपने भट्टे ई ड्राफ्ट करा लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं कराया है तो वो इसमें तुरंत उनको मेरे को लगता है कि कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि समय सीमा की बात है तो समय सीमा इसकी बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और अभी संजीव भाई ने बताया कि जिन भट्टों की रॉयल्टी जमा हो जाए, रॉयल्टी जमा होने के बाद वो अपना काम शुरू करें तो उसमें कोई सरकारी बाधा नहीं आए। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग जो सरकार के विषय हैं उनको फॉलो कीजिए। उनको फॉलो करने में कोई परेशानी आती है या कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी आपको परेशान करता है तो आप मेरे को उससे अवगत करा दें और मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी परेशानी आपको सरकार की तरफ से या उनके अधिकारी कर्मचारी की तरफ से नहीं आए, उसका पूरा प्रयास करूंगा। जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं एक उसका ड्राफ्ट बना के मेरे को आप दे दें और उसमें सब जितनी समस्याएं आप लोगों के साथ आ रही हैं, सामने आ रही हैं, वो लिखित में मेरे को नितिन गुप्ता जी मेरे को उपलब्ध करा दें, संजीव चौधरी जी मेरे को उपलब्ध करा दें। मैं हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 7 तारीख को, तो मेरे को लखनऊ जाना है, लखनऊ में रहूंगा। तो आप लोगों की समस्याएं जो भी संबंधित विभाग, जैसे बताया कि पॉल्यूशन से संबंधित आपका रहता है और खनन से संबंधित आपका काम रहता है, तो उसके विभाग के जो भी प्रमुख सचिव हैं उनसे मैं मिल लूंगा और आप लोगों की बात मैं वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोगों के ऊपर कोई समस्या ना है। देखिए, जो लोग आप ही लोगों से टैक्स से जो आप लोग टैक्स देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, उससे ही सरकार चलती है। सरकार की अपनी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जो टैक्स जनता देती है उसी से विकास कार्य होते हैं, वो पैसा आप ही लोगों के लिए लगता है। तो आप लोगों को भी समस्या ना हो, सरकार के काम भी चलते रहे, दोनों में सामंजस्य बना रहे, इसका प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो मेरा यही आप लोगों से, हमारे डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग थी। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय रितेश गुप्ता जी नगर विधायक मौजूद रहे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम हर संभव आपके साथ हैं। लेकिन हमारी एक कहना है कि सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए अपने कागज, अपनी पत्ती जो भी आप लोगों की है उसे पूरे रखिए। उसके बाद अगर कोई भट्टा यूनियन में या किसी भट्टे वाले का कोई उत्पीड़न कर कोई अधिकारी या कोई भी करता है तो मैं उसके साथ हूँ, किसी भी संभव पर उत्पीड़न करने नहीं दूंगा। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? हमारे उद्योग में कुछ समस्याएं, जैसे बिना पॉल्यूशन के, बिना प्रदूषण के प्रमाण पत्र के सरकार हमारे भट्टों को चलने नहीं देती है। मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो हम अपने भट्टे वालों से कहते हैं कि अपने हिसाब से इस कारोबार को न करके और कोई व्यापार करें, नहीं तो हम सरकार से यही आग्रह है कि प्रदूषण का प्रमाण पत्र हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक हमारे उद्योग में एक दिक्कत और है कि 2024 फरवरी से बिना हाइड्राफ्ट सादा भट्टे नहीं चलेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी हाइड्राफ्ट भट्टे चलेंगे।
तो हमारी ईंट निर्माता समिति लखनऊ कार्यरत है, सरकार से वार्तालाप चल रही है कि 2 साल का हमें और समय दिया जाए जिससे हम सादा भट्टों को चलाएं, उसके बाद हम हाई ड्राफ्ट कर लें। हमारा सरकार से आग्रह है कि अभी हमारे सादा भट्टों को 2 वर्ष की अनुमति दी जाए। बस हम यही चाहते हैं, हम अपने व्यापारी साथियों से कि अपने कागजों को पूरा करने के बाद अपने व्यापार को चलाएं और हम हर भट्टे वाले के हर तरीके से साथ। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।